ओके, तो मैं आ गई हूँ इस जगह पर जहाँ पर मुझे मेकअप करवाना है, वॉइस्ड मेकअप। तो यहाँ पर ये इनका घर है, मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी। तो यहाँ पर कुर्सी लगाकर उन्होंने बिठाया है, और पहले ही उन्होंने मुझे पूछा कि आपके फेस पर कुछ अप्लाई किया है आपने। मैंने बोला मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो कोई भी, उन्होंने CTM, मॉइस्चराइजिंग, टॉनिंग, क्लीनिंग कुछ भी नहीं किया, प्राइमर भी नहीं लगाया, और डायरेक्ट उन्होंने मेरे फेस पर पहले ही कॉम्पैक्ट लगा दिया। आप सोचो, पहले कॉम्पैक्ट कौन अप्लाई करता है? कौन से पार्लर वाले पहले कॉम्पैक्ट अप्लाई करते होंगे? तो उन्होंने पहले मेरे फेस पर कॉम्पैक्ट अप्लाई किया। ये मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव मतलब कि बड़ा गांव है, और वहाँ पर सभी तैयार होने जाते हैं। तो मुझे बोला गया था कि वहाँ पर अच्छा मेकअप करते हैं, तो मैं गई और ऐसा मेकअप किया। मैंने सोचा ट्राई तो करूं। तो पहले कॉम्पैक्ट अप्लाई करने के बाद ये वही पफ से, जो पफ ब्रश था कॉम्पैक्ट में आया हुआ था, उससे ही उन्होंने ये फाउंडेशन लगाया है। और फाउंडेशन भी न जाने कौन सा था, और डायरेक्ट प्राइमर, मॉइस्चराइजिंग, बिना मेरे फेस पर ये केमिकल वाला फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको जब भी मेकअप करना हो तो पहले फेस पर आपके फेस को पहले क्लीन करो, बाद में टोनर लगाओ, और बाद में मॉइस्चराइजिंग लगाओ, और फिर प्राइमर अप्लाई करने के बाद ही आप फाउंडेशन या कोई भी मेकअप अप्लाई कर रहे हो वो अप्लाई करो। इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। न जाने कौन सा रूल्स इनके पार्लर में चलता होगा। ये घर में ही ये पार्लर चलाती है दीदी। तो उन्होंने ऐसा मेकअप किया है, तो फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही थी, दाढ़ दाढ़ करके मेरे फेस पर ये पफ, आप देख रहे हो कैसे ब्लेंड कर रहे हैं ये। तो ऐसे ब्लेंड करने के बाद पहले कॉम्पैक्ट अप्लाई किया, बाद में फाउंडेशन अप्लाई किया। अब फिर से वो मेरे फेस पर कॉम्पैक्ट अप्लाई करेंगे फाउंडेशन को सेट करने के लिए। तो ये फिर से कॉम्पैक्ट मेरे फेस पर लगाया जा रहा है, वही पफ जो पहले कॉम्पैक्ट अप्लाई किया, वही पफ से फाउंडेशन अप्लाई किया, और वही पफ ब्रश से अब वो फिर से कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही है। और वो भी ड्राई ये जो ब्रश था वो ड्राई था। उनके पास ब्रश थे लेकिन मुझे मालूम नहीं वो उन्होंने क्यों यूज़ नहीं किए। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, और सब मेरी डिटेल पूछ रही थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ से आई हूँ और मुझे पार्टी में जाना है, तो मैं मेकअप करवाने आई हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको कर देती हूँ मेकअप। तो अब ये ब्रश में पिंक कलर का कुछ लेके पहले मेरे नोज़ पर अप्लाई किया, बाद में जब जहाँ पर हम चीक बोन्स पर जहाँ पर हम कॉन्टोर करते हैं वहाँ पर उन्होंने ये पिंक कलर का ब्लश था वो अप्लाई किया, और बाद में चीक पर भी उन्होंने वही पिंक कलर लेकर ब्लश अप्लाई किया। तो मेरे पूरे जो गाल थे वो पिंक पिंक कलर के कर दिए, आप देख सकते हो एकदम पिंक कलर से भर दिए हैं मेरे गाल को। अब ब्रश यूज़ किया है तो ये रहा मेरा मेकअप आधा अधूरा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना यार। तो आप देख सकते हो मेरे गाल पर कैसा पिंक शेड दिख रहा है। अब मैंने आपको, नहीं सॉरी, अब मैंने उनको एक पिक्चर दिखाई थी, मैं आपको साइड में लगा दूंगी कहीं पर भी स्क्रीन पर, तो आप देख लेना। वो आई शेड मुझे, वो आई मेकअप करना था, तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा आई मेकअप करना है। तो वो ब्लू स्मोकी आई थी, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, फिंगर की हेल्प से ब्लू कलर लिया, सिमरी ब्लू कलर डायरेक्ट मेरे आईलिड पर अप्लाई किया फिंगर की हेल्प से ही, नो ब्लेंडिंग कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आई मेकअप। और आईलिड पर पूरा ये जो ब्लू कलर था वो भर दिया। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ,
कि ऐसे आई मेकअप होता है। और अब उन्होंने क्या किया, पिंक कलर लिया और फिंगर के हेल्प से उन्होंने मेरी क्रीज पर भी पिंक कलर ही अप्लाई किया। तो फिंगर के हेल्प से क्रीज पर कौन यार आई शेड लगाता है, मुझे मालूम नहीं है कैसे मेकअप करते हैं सब। तो ब्राउ बोन पर और क्रीज पर दोनों पर इन्होंने ये जो पिंक कलर था वो अप्लाई कर दिया। ब्राउ बोन पर हाईलाइट करने के लिए तो जगह छोड़ी ही नहीं थी, दूसरी साइड भी ऐसा किया, आप देख सकते हो ब्राउ बोन पर भी डायरेक्ट फिंगर के हेल्प से ये आई मेकअप कर रही है। तो ये नया लुक है हमारा आई मेकअप का, आपको भी नहीं आता तो आप ऐसे मेकअप कर सकते हो, बहुत ही बुरा लगेगा। तो यहाँ पर ये हमारा आई मेकअप है, ये छोटी सी बच्ची उनके घर पे थी, न जाने कौन थी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो भी देख रही थी आंटी मेकअप कर रहे थे वो। और अब ये ब्लैक कलर लिया है उन्होंने और मेरी आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रहे हैं ब्लैक कलर को फिंगर की हेल्प से। सब कुछ दीदी ने फिंगर की हेल्प से कर दिया है, तो ये अच्छा है। हमें आई मेकअप करने के लिए कोई भी ब्रश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से आई मेकअप कर सकते हो। तो ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट है, कुछ भी अब इसके इनर कॉर्नर पर कुछ भी लगाया नहीं जाएगा, हाईलाइट भी नहीं किया जाएगा, ये हमारा आई मेकअप रेडी है। और अब यहाँ पर लोअर लेस पर, नहीं सॉरी, लोअर लेस पर काजल अप्लाई किया जा रहा है वो भी फिंगर की हेल्प से। उनके पास काजल नहीं थी, हिमालय की काजल थी, तो वो भी उन्होंने फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर ली। मुझे हंसी आ रही थी लेकिन क्या करूँ, हंस भी नहीं सकती। तो ये हमारा आई मेकअप है। अब वो मैं एक ब्रश की हेल्प से ये एंगुलर ब्रश, सॉरी ब्रश लिया था, और बाद में उन्होंने नीचे की लोअर लेस पर जो पिंक कलर लिया था उन्होंने क्रीज को ब्लेंड, क्रीज को बिल्डअप करने के लिए वही पिंक कलर लेकर मेरी लोअर लेस पर अप्लाई किया। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगता है जब हम ऊपर जो हम अपर लेस पर अप्लाई करते हैं वो लोअर लेस पर वो आई शेड लगाते हैं तो हमारा अलग ही लुक निकल के आता है। तो यहाँ पर उन्होंने आई शेड अप्लाई किया लोअर लेस पर और अब वो लगाएंगी मुझे आईलाइनर। मैं उनको पूछ रही थी कि आपने कहाँ से मेकअप सीखा है और कितने पैसे लगे थे आपको पार्लर सीखने में, तो वो सब मुझे डिटेल बता रही थी। तो अब मैं यहाँ पर, सॉरी, अब वो मेरे आई पर आईलाइनर अप्लाई कर रहे हैं। तो आईलाइनर तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा, नहीं बुरा अप्लाई किया है। तो उन्होंने पहले लाइन ड्रॉ की और बाद में पीछे तो विंग इतना बड़ा ड्रॉ किया है, बाद में मैं आपको दिखाती हूँ, लास्ट में आप देखना मैं आपको दिखाऊंगी। तो दूसरी आई पर भी डायरेक्ट मेरे अपर लेस पर उन्होंने ये लिड पर आईलाइनर अप्लाई की है, एडीएस की आईलाइनर थी। तो आप देख सकते हो कितनी मोटी मोटी उन्होंने आईलाइनर अप्लाई किया। अब बोल रहे थे थोड़ी देर आपकी आईज़ को बंद रखना वरना आपकी आई जो आईलाइनर है वो बिगड़ जाएगी। मैंने सोचा जो बिगड़ी हुई है उसे बचा लेते हैं आई को बंद करके तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब ये एडीएस की उन्होंने मैरून कलर की ये लिपस्टिक ली है और उसे डायरेक्ट ही मेरी लिप पर अप्लाई किया है। जो पार्लर वाले होते हैं वो हाइजीन को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते, यहाँ पर गुजरात में तो ऐसा बहुत ही चलता है कि जो भी लिपस्टिक या कोई भी ब्रश ब्रश जो भी होता है वो वॉश नहीं करते और वो ही दूसरे पर अप्लाई करते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर मैरून कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। वो मुझे पूछ रही थी आपको मेकअप कैसा लगा, मैंने बोला अच्छा है। अब ये हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्टोर तो किया ही नहीं है।
हाइलाइटर डॉट डॉट करके पूरे फेस पर पहले अप्लाई किया, और जहाँ जहाँ पर हाई पॉइंट थे वो तो उनको मालूम थे कि यहाँ यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई करना होता है, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करके उन्होंने हाइलाइटर को पहले फिंगर के हेल्प से लगा लिया, और बाद में ब्रश लेने गई दीदी, और ब्रश लाने के बाद ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहे हैं। आईब्रो तो अभी तक फिल की ही नहीं है, बाद में मैंने याद किया था, करवाया था कि दीदी आप आईब्रो फिल नहीं करोगे, तो क्या, तो वो मुझे बोल रहे थे कि करना है, ओके मैं कर देती हूँ। यहाँ पर मैं गुजरात में रहती हूँ तो हम गुजराती भाषा बोलते हैं, तो हम गुजराती में बात कर रहे थे, इसलिए मैंने जो वॉइस था वो बंद कर दिया है, वरना मैं आपको सुनाती, क्योंकि गुजराती कई लोगों को आती है और कई लोगों को नहीं आती है, तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो ये हमारा हाइलाइटर बिल्कुल ब्लेंड भी नहीं किया। अब वो मुझे फिर से पूछ रही थी कि कैसा लगा, तो मैंने बोला अच्छा है, और थोड़ा सा मैंने मेरे फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया, और अब ये फ्लैट ब्रश लिया है जो हम आईलिड पर मेकअप करने के लिए लेते हैं, वही ब्रश लेकर उन्होंने आईब्रो को फिल किया है। ब्लैक कलर का आई शेडो लिया था, मेरे हिसाब से तो ब्लैक कलर आपको तो ही लेना चाहिए जब आपकी घनी और ब्लैक कलर की आईब्रो है, बट मेरी डार्क ब्राउन कलर की है, तो आप कोई भी किसी को भी तैयार करो तो आप उनकी आईब्रो को पहले देख लो, और बाद में ही आपको ऐसे मेकअप करना चाहिए। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर लिया और मेरी आईब्रो को फिल कर दिया है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था तो मैं मेरे फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर रही थी, और वो मुझे बार बार पूछ रहे थे तमने केवू लाग्यू ना, हूँ बोलती थी मस्त छे। तो यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैंने उनको बोला कि आप मस्कारा अप्लाई नहीं करोगे, कॉन्टोर तो किया ही नहीं था, और ब्लश तो मेरे पूरे गाल पर अच्छे से अप्लाई कर लिया था उन्होंने, तो यहाँ पर वो मस्कारा ढूंढ रही थी लेकिन उनको मिला नहीं। तो मैंने बोला रहने दो चलेगा, मुझे जल्दी जाना है। तो यहाँ पर उनके घर पर मैंने ये क्लिप थोड़ी सी ले ली थी, अब मैं घर जाऊंगी मेरे, और बाद में आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक की है और कैसे कैसे मेकअप बिगाड़ा है। तो अब मैं यहाँ पर घर पे आ गई हूँ और मुझे इतनी हंसी आ रही है, ऐसा मेकअप कौन करता है यार, 500 रुपये मेरे पास लिए हैं और इतना गंदा मेकअप किया है, अब देख रहे हो ये आईलाइनर कितनी खराब की है, ऐसी आईलाइनर कौन करता है। ये देखो यहाँ पर ऊंची ऊंची की है और यहाँ पर नीची नीची की है, और हाइलाइटर जो उन्होंने अप्लाई किया था वो सिर्फ पहले ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई किया और बाद में ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया, तो ऐसे तो हाइलाइटर नहीं लगाया जाता, और जो फाउंडेशन है उनको उसे भी उन्होंने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया था। और हाँ, पहली बात तो उन्होंने मेरे फेस पर पहले कॉम्पैक्ट अप्लाई किया, बाद में उन्होंने फाउंडेशन अप्लाई किया, और बाद में फिर से कॉम्पैक्ट अप्लाई किया, प्राइमर मॉइस्चराइजर सीटीएम कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट मेकअप करने लगे थे। उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कुछ फेस पर अप्लाई किया है, लेकिन मैंने बोला नहीं मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो उन्होंने कोई भी सीटीएम नहीं किया और डायरेक्ट मेरे मेकअप को लगाने लगी थी। और लिपस्टिक आप देख रहे हो, लिपस्टिक उन्होंने एक ली थी, लिपस्टिक स्टिक जो आती है उससे ही डायरेक्ट मेरे होठ पर ऐसे लगा लिए, बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं करते ये जो पार्लर वाले होते हैं वो। और ये मेरी जो आईब्रो फिल की है वो तो कैसी लग रही है आप देख ही सकते हो, मुझे इतना बुरा मेकअप लगा, मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना बुरा मेकअप कोई कर सकता है। और मेरा जो आई मेकअप है, मैं यहाँ पर आपको जो आई मेकअप मैंने करवाया था उनको बताया था कि मुझे ब्लू कलर का आई मेकअप करना है, स्मोकी आई, तो उनको बताया था, लेकिन उन्होंने देखा और ऐसा मेकअप किया है। तो आप यहाँ पर इमेज में देखना और यहाँ पर आप रियलिटी देख सकते हो कितना खराब किया है। और आईलाइनर यार, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है कि इतना खराब कोई मेकअप करता है क्या।
तो आप देख ही सकते हो, फाउंडेशन को भी अच्छे से ब्लेंड नहीं किया है, कॉम्पैक्ट लगाया है तो भी ऐसे लगा के ऐसे ही बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं किया, सिर्फ टैप टैप करके लगा लिया है। कोई भी ब्रश या कोई भी नहीं, आई शेडो जो उन्होंने लगाया वो भी अपनी फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर लिया, कोई भी ब्रश अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं, ब्रश की हेल्प से ब्लेंड भी नहीं किया। आई शेडो का मतलब होता है अच्छे से उसे ब्लेंड करते हैं तो हमारा आई मेकअप अच्छा होता है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया है। और यहाँ पर काजल उन्होंने फिंगर की हेल्प से अप्लाई की थी, कोई भी उनके पास जो काजल अभी आइकॉनिक या वो निकली है वो नहीं है, हिमालय की उनके पास काजल थी और उन्होंने ऐसे फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर ली है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो काजल लग भी चुका है, इनर कॉर्नर भी कोई भी हाईलाइट नहीं किया, या तो पिंक कलर की हेल्प से ही पूरा भर दिया है तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर ब्राउ बोन या कुछ हाईलाइट करने का। कॉन्टोर तो किया ही नहीं है और ब्लश तो आप देख ही सकते हो यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्लश अप्लाई किया है। तो ये वर्स्ट मेकअप था, आपको अच्छा लगा हो, मैंने जाके 500 रुपये मेरे वेस्ट किए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेकअप अच्छा ना लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मैं मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ, ऐसी बुरी वीडियो लेके नहीं आऊंगी, अच्छी वीडियो लेके आऊंगी। तो अब मैं मिलती हूँ वो अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।